तो 7 महीना में जो हम किया है वो कोई कम नहीं है गया के लिए। आज 2400 घंटा बिजली मिलती है, बिहार का विकास नहीं है? आज हर गांव में लगभग पक्की रोड बन गई है, वो विकास नहीं है क्या? कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चुकेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो कि हम के सुप्रीमो हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हुई है उनको। एक बार फिर से बिहार का कमान संभालना चाहते हैं, एक बार फिर से बिहार का विकास करना चाहते हैं जीतन राम मांझी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं। जीतन राम मांझी जो कि गया के इमामगंज के विधायक भी हैं, 7 महीने हो चुके हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी ने जनता को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी इच्छा की, उनकी बात, उनका जो मन था वो सामने आ गया कि वो चाहते क्या हैं। दरअसल जीतन राम मांझी जनता को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 17 साल मिले बिहार का विकास करने के लिए, अपने गृह जिला नालंदा का विकास करने के लिए। मुझे सिर्फ 7 महीने मिले हैं और ऐसे में मैं अपने गृह जिला का विकास कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अगर मैं फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनता हूं तो फिर वही करूंगा जो सब करते हैं। जैसे मैं मुख्यमंत्री बना था तो भी मैंने बिहार के विकास के लिए कई काम किए और आगे भी यदि मुख्यमंत्री बनता हूँ तो कई काम करूँगा बिहार के विकास के। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी जीतन राम मांझी ने कई बातें कही है। क्या कुछ कहा है ज़रा पहले आप ये सुनिए। देखिए, सब तो आप लोग यंग आदमी हैं, खुद समझना चाहिए, कहाँ 17 बरस और कहाँ 7 महीने। तो 7 महीना में जो हम किया है वो कोई कम नहीं है गया के लिए, और उस 17 वर्ष में जो कर रहे हैं अपने जिला के, कम से कम एक जिला का तो विकास हो रहा है। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, एक जिला नहीं, बिहार का भी विकास हो रहा है, ऐसा मत समझिए। आज 2400 घंटा बिजली मिलती है, बिहार का विकास नहीं है? आज हर गांव में लगभग पक्की रोड बन गई है, वो विकास नहीं है क्या? तो ये सब विकास हुई है, हाँ, और विकास होने की आवश्यकता है। दूसरे क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में है, शिक्षा के क्षेत्रों में है, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में है, वहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हो जाएगा? अब हमने कभी मुख्यमंत्री का सपना नहीं देखा था और नहीं देखा है। अगर मौका मिलेगा तो हम चुकेंगे नहीं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, और आखिर कहे भी क्यों ना, जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री कुर्सी का स्वाद जो चखा है, और ये सत्ता की वो कुर्सी है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, और जो एक बार खा ले वो दोबारा खाने की इच्छा जरूर जताता है। भले ही बहुत कम समय के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, लेकिन अब भी वो इच्छा जीवित है। अब भी बिहार के मुखिया बनने की इच्छा जीतन राम मांझी के मन में है और बखूबी जीतन राम मांझी कोई मौका गंवाना नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि आज जीतन राम मांझी का ये संबोधन जब सबने सुना तो सबके मन में यही आया कि क्या फिर से बिहार की कमान संभालना चाहते हैं जीतन राम मांझी, क्या फिर से जनता की सेवा करना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनकर जीतन राम मांझी।